सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो आज ना ईवी जो है वो 3:30 बजे जग गए थे और मैं बाहर आके देख रही थी कब लाइट होगी। फिर उसके बाद जीनू और चीनू जो है वो दोनों भी जग गए थे और यहाँ पे देखो मून भी अभी तक यहीं पे था। तो बस बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी था और ठंड इतनी ज़्यादा थी ना, और ईवी जो है वो सो नहीं रहे थे तो मैं उनके साथ खेल रही थी थोड़ी देर। फिर खेलते खेलते 1.5-2 घंटा वो खेलते हैं, फिर उनको नींद भी आ जाती है। तो फिर उसके बाद चीनू जब उठ गए तो फिर चीनू को दे दिया मैंने ईवू को। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा किचन से काम जो है अपना स्टार्ट करती हूँ। तो भी यहाँ पर ना ईवू को नींद आ गई है तो मैंने यहाँ पर सोचा कि इस रूम की क्लीनिंग कर देती हूँ। अभी सभी लोग बाहर थे तो इस रूम में जितने भी हम रजाई ब्लैंकेट्स वगैरह जो भी लेते हैं ना वो सब हटा दिए मैंने। और यहाँ पर ना सामान जो काफ़ी ज़्यादा फैला पड़ा रहता है मेरा, और मेरा मेकअप का सामान अलमीरा में बिल्कुल नहीं मिलता मुझे, तो मैंने इस तरीके से बास्केट्स में लगा के रख दिया है। और कुछ सामान जो ब्रशेज़ वगैरह लिप लाइनर्स वगैरह वो इस तरीके से बॉक्सेस में रख दिए हैं। और यहाँ पे एक बास्केट में ना मैंने ईवू के जो टॉयज़ हैं वो रख दिए हैं। तो हम पूरी बास्केट उनको दे देते हैं, वो अपनी चॉइस से जो भी टॉयज़ लेने होते हैं कभी डालने होते हैं तो बस वो उस तरीके से खेलते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय भी करते हैं इस चीज़ को। तो अभी यहाँ पे ना मैंने अपनी एक वीडियो एडिट करके और अपलोडिंग भी लगाई है। ईवी अभी सो रहे हैं, चीनू को पढ़ा रही हूँ क्योंकि जब तक ईवी सोए हैं तब तक मैं इनको पढ़ा लूँगी। इनका लास्ट एग्ज़ाम है मैथ्स का तो फटाफट अच्छा सा हो जाए, तो बस इसके लिए ही जो है इनकी तैयारी हो रही है। यहाँ पे मैंने लगाया हीटर, बाहर धूप में बैठ बैठ के मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा काली हो रही थी और फेस पे काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन हो रही थी, हीटर लगा लिया क्योंकि ठंड लग रही थी। थोड़ा सा काम करके आई थी पानी में तो अभी ना सोचा कि हाथ जो है अपने वो गर्म कर लेती हूँ, हाथ पाँव इतने ठंडे हो रहे थे ना, तो यहाँ पे वही हो रहा है। और साथ में बाल जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे थे तो सोचा उनके लिए कुछ करूँ। तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है मैंने, मामाअर्थ का अनियन हेयर ऑयल है, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था तो बस अमेज़ॉन से ही मंगवाती हूँ मैं ज़्यादा चीज़ें, तो ये वहाँ से मंगवाया मैंने। अभी मैं इसको ट्राई करूँगी तो आज लगाती हूँ उसको, तो कल हेयर वॉश करूँगी, एक दिन तो रहने दूँगी इसको और अच्छे से मसाज करूँगी अपने बालों की क्योंकि जो मेरा हेयर फॉल है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे मैं बालों को ऐसे करती हूँ ना हाथों से तो निकलते हैं इतने सारे। साथ में सीरम ख़त्म हो गया था तो सोचा कुछ नया ट्राई करूँ, तो ये लॉरियल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल है, सीरम एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल वाला सीरम है, तो काफ़ी सुना है इसके बारे में भी, तो अभी यूज़ किया मैंने एक बार तो अच्छा लगा मुझे। तो अब देखते हैं कब तक कैसे कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। तो ये दो चीज़ें हैं जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। अभी सुबह का टाइम है और बाहर है हम लोग, शॉवर वगैरह लेने का काम हो चुका है। ईवू है यहाँ पे, गुड मॉर्निंग, वो देखो डॉग। तो ईवू बाहर बैठ के डॉग्स को देख रहे हैं और स्पैरोज को देख रहे हैं और अभी सो के उठ रहे हैं, तो आज थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया था उनका। और चीनू भी बाहर है, उनके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, आज हम सोच रहे हैं कुछ थोड़ा सा बाहर जाएं, जिनके पास टाइम नहीं है तो हम लोग देखेंगे कैसे कैसे और कहाँ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए जाएंगे इनको लेके, इनको बोला था कि एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे तो इनको लेके जाएंगे, तो फिलहाल धूप का मज़ा लेते हैं बाहर। बाय पापा, वो देखो डॉग, पिजन, वो देखो पिजन, कुछ स्पैरो, वेरी स्पैरो, दोनों क्या क्या टूट गया जी। अभी यहाँ पे ना ईवा जो है वो मेरे बाल खींच रहे हैं और देखो, और मैं उनको मना कर रही हूँ तो फिर चिल्ला रहे हैं लोगों से। ईवा नो नो, ईवा ईवा नो यार, पेन होता है मम्मा को, उनको बालों के साथ पता नहीं क्या है, बालों के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। ईवा नो, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है मम्मा को, पता चल रहा है आपको कुछ, मम्मा को पेन हो रहा है,
इवा नो इवा गुच्छा करूं मैं छोड़ो शैतान बच्चे शैतान ही कर रहा है इवा नो नो इवा की मस्ती जो है वो ऐसी चलती रहेगी हम लोग दस बज चुके हैं ओए बड़ा शोर कर रहा है तो दस बज चुके हैं तो अभी थोड़ा सा ना किचन का काम जो है बर्तन एक बार साफ कर दिए थे फिर से हो गए और इवा की बॉटल्स जो है वो सारी धुल के और स्टरलाइज करनी है वो सब कर लेते हैं फिर होते हैं रेडी जाने के लिए अभी टाइम हो चुका है यहाँ पे 10:45 का और ईवी जो है उनको सुला रही हूँ मैं उनको नींद आई थी तो मैंने सोचा उनको रेडी कर देती हूँ क्योंकि फिर फटाफट से इनको उठाऊंगी और चल दूंगी और तब से अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है क्योंकि मैं सोच रही थी किचन का काम थोड़ा सा निपट जाता लेकिन नहीं हुआ फिलहाल इनके सॉन्ग्स जो हैं वो चला दिए हैं क्योंकि सॉन्ग्स सुनते सुनते सोच रही और यहाँ पे ये देखो छोना नहीं छोना जो है वो रख दिए बॉयल करने के लिए और अभी मुझे फटाफट से किचन क्लीन करनी है ईवी सो चुके हैं तो फटाफट जो है अपना काम खत्म करती हूँ एग बॉयलर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था सुबह एग बॉयल किए थे तो उसके बाद मैंने यहाँ पे पीतांबरी जो पाउडर आता ना क्लीनिंग के लिए वो और थोड़ा सा सर्फ जो है वो इसमें डाल के तो इसको इस तरीके से रख दिया था अभी इसको ना इसके साथ थोड़ा सा क्लीन करूँगी फिर थोड़ा अच्छा शाइन करता ना ये ऐसे भी क्लीन हो जाएगा ये लेकिन इसके साथ थोड़ा सा अच्छे से करूँगी इसको चुकी हूँ रेडी जल्दी जल्दी से रेडी मैंने पहनना दूसरा सूट था लेकिन वो मिला नहीं तो फिर फटाफट से यही कुर्ती पहन ली और इस पर इतने ज़्यादा बुरा आ गया ना ये देखो तो यही जो वुलन विंटर वेयर होता है ना वो इसी तरीके जो वुलन वाला लोग है ना आप तो उसमें तो जल्दी आ जाती है अभी भी सोया उनको फटाफट से ऐसे ही उठा के ले जाऊँगी बाल कंघी भी नहीं किए मैंने चलते हैं फटाफट दीदी वेट कर रहे हैं तो गाइज अभी हम निकल चुके हैं जाने के लिए तो दीदी आ चुके हैं हमें लेके और शनायु और अयान जो है वो आगे बैठे हैं मैं और पीछे बैठे हैं और दीदी ड्राइव कर रहे हैं जीजू नहीं आया जीजू गए स्कूल और जैसे भी नहीं आया आज क्योंकि जैसे गए हैं बस तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं ईवा को दिखा रही हूँ मैं हॉर्स और साथ में शानू को जो है वो पानी पीना था चलो आपको पीछे आना है आ जाओ भाई आपने जाना है हॉर्स को बाय अभी हम लोग आ चुके हैं दीदी घर में दीदी घर पर नहीं है वो है स्कूल में और आरवी को आज छुट्टी है आरवी छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं और इमू जो है वो सोए हैं अभी इमू का है ये इमू है ये तो इमू है ये इबू है वो इमू है मुझे कुकड़ू खाने क्या खाना है कुकड़ू खाने अच्छा कुरकुरे अच्छा कुरकुरे को चलो ईवा से बात करो खेल लिया शू साइड पे खोलो और हैंड वॉश करो दो बार गिर गया
अच्छा हुआ बोले इसको मैंने बोला भी है इतनी बार ऐसे मत किया अगर गिर जाएगा फिर सुनता नहीं है बात ठीक है यार वो उठ गए हैं इबो गुड मॉर्निंग तो फिलहाल हम लोग हैं दीदी के घर में अभी हम लोगों को करना है लंच तो लंच में बनने हैं चपाती रायता और पनीर की सब्जी और साथ में साग कड़म का तो ये सब कुछ बना है तो फिलहाल खाते हैं लंच लेकिन अभी बच्चों के खिलाते हैं पहले है ना तो इवा क्या कर रहे हैं यहाँ पे इवा फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं उनको आज मुझे हाथ में दे दिया मैं चपाती खाने के लिए तो बस ये क्या हालत बनाई है इवा क्या खा रहे हो अभी भी यहीं पे है और इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी बाहर धूप है लेकिन इतनी होनी है और बच्चों ने पीछे शोर मचाया हुआ और उन लोगों की लाइन भी चल रही है यहाँ पे और जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वहाँ पे ये वाली लाइन चल रही है और हम लोग क्या कर रहे हैं हीटर और अपने हाथ गर्म कर रहे हैं यार बड़ी ठंडी लग रही है देखो ठंड से हाथ भी कैसे हो रहे हैं और साथ साथ में हम थोड़ी सी चीजें यहाँ पे ऑनलाइन देख रहे हैं कि कुछ अच्छा लगेगा तो कर क्या हुआ कंघी कर रहे हो आप परेशान कर रहे हो आप मुझे मैं कंघी कर रही हूं चल रहे हैं चलो जा रहे हैं हम लेट हो गए यार घर जा रहे हैं ठीक है मैं जा रही हूं तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पर वापस काफी ज्यादा टाइम हो गया है चानू आ जाओ जल्दी निकलते हैं वरना लेट हो जाएंगे है ना इवा लेट हो जाएंगे हम जल्दी जल्दी चलते हैं अभी हम लोग आ चुके हैं घर पर वापस मुझे करनी है अभी डिनर की तैयारी 6:45 का टाइम हो गया और जीनो अभी तक नहीं आए और ईवी अभी नीचे हैं याना भी नीचे है तो मैं फटाफट से करती हूँ डिनर की तैयारी इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा तो जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में तब तक के लिए बाय टेक केयर